एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरी लाइफ की न्यू जर्नी की स्टार्टिंग है और आप लोगों के साथ जो है सारी की सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी आगे आने वाले व्लॉग में। बट ये व्लॉग जो है ना, इसमें टोटली ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा। ट्रैवल मैं कहाँ पर कर रही हूँ आप लोग को देख के तो आइडिया हो ही गया होगा, थंबनेल वगैरह में आपने टाइटल में देख लिया होगा। ट्रैवल मैं कर रही हूँ लंदन और हम लोग जा रहे हैं कतर एयरवेज से। तो अभी हम लोग जो हैं वो रुके हैं कतर में। तो खैर, कतर एयरपोर्ट वगैरह इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको मैं बताती हूँ कि हमने बहुत जल्दी जल्दी में फ़्लाइट जो है वो अपनी टिकट्स बुक करवाए थे। एक रात पहले हमारे टिकट्स कन्फर्म हुए थे, जल्दी जल्दी में तैयारी की इस वजह से। आप देख लो, तैयार भी मैं होके नहीं आई अपनी पहली फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फ़्लाइट में, अनफॉर्चुनेटली। तो अभी सीन ये है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करने का वेट कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद टू दोहा मैंने कोई ख़ास व्लॉगिंग नहीं की बिकॉज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे थिंग्स वर सो इमोशनल। बहुत मुश्किल होता है अपने घर वालों को छोड़ के आना, तो उस पर तो मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे भी कुछ फिल्म वगैरह करना है। लेकिन कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने लैंडिंग करते हुए दोहा में बनाए हैं, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले वो देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने हमें ना लंच सर्व किया था और खाने में था चिकन बिरयानी, स्प्राउट सैलड था और साथ में कुछ मीठे में था, ऐसे क्रीम चीज़ टाइप पुडिंग सी बनी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। अब अगर मैं मेन कोर्स की बात करूँ तो मुझे खाना इतना टेस्टी नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक गुजारा चल रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट कुछ ना कुछ बेहतर था, लाइक समथिंग इज़ बेटर देन हैविंग नथिंग। सो ये थी कुछ खाने की शक्ल। साथ में आप ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, कोई भी लाइक सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने जो है वो ऑरेंज जूस सिलेक्ट किया था। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और अब जब कतर एयरपोर्ट हम लैंड करेंगे ना, तो जो नज़ारा और जो सीन आपको देखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस, जो कतर का बर्ड आई व्यू है ना, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। लाइक मुझे यकीन नहीं, हम लोग आ गए हैं इधर, वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको बताती हूँ, हम लोग जब लैंड हुए उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट, नहीं ब्रंच कह ले, ब्रंच किया और उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और फिर अब हम लोग फ्रेश हुए हैं और अब हम थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आप लोग को एयरपोर्ट दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। सो कतर एयरपोर्ट पे लैंड करते ही सबसे पहले हमने करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी। वी वर सो डम, हमें पता ही नहीं था कि कतर एयरपोर्ट पे तमाम कंट्रीज़ की करेंसी चल जाती है। आपके पास पाउंड हो, डॉलर हो,
पीकेआर वगैरह सब चल जाता है, तो हमें पता नहीं था ये, इस वजह से हमने कतरी रियाल जो है वो एक्सचेंज करवा लिए थे। अब सीन ये होता है ना कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो 10 आवर्स या 10 आवर्स से ज़्यादा हो, तो फिर कतर एयरवेज़ की तरफ से आपको एक मील मिलता है, एक वाउचर मिलता है, आप वो एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में जाके कहीं से भी अपना मील जो है वो लेके खा सकते हैं, उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारा लेओवर कम था, सो ऑब्वियसली हमें वो वाउचर नहीं मिला और हमें अपना मील खुद ही ख़रीदना था। अब मैं फूड कोर्ट में आई थी एंड देर वर सो मैनी ऑप्शंस, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, क्या सेफ़ रहेगा। सो आई विल गो फॉर KFC बिकॉज़ KFC का जो है वो समझ भी आता है कि क्या सब ऑप्शन है यहाँ पर। अरेबिक मतलब आपको हर तरह की कुजीन मिल जानी थी, लेकिन मुझे KFC ही सेफ़र ऑप्शन लगा। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि मिनहल का टैडी ले लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि वो कहीं भी रोना शुरू कर लेती है इसके लिए। सो KFC हम आए थे और हम लोगों ने ना अपने लिए चिकन ही ऑर्डर किया था। अब यहाँ पे ना ये जो गल्फ़ के लोग हैं ना, ये बहुत नमकीन फीका खाना खाते हैं, ये हमारी तरह स्पाइसी खाना नहीं खाते। तो जो हमारा क्रिस्पी वाला KFC है ना पाकिस्तान में, जो हमें नॉर्मल लगता है, वो इनके लिए स्पाइसी है। सो जब ये मेरे से ऑर्डर ले रहे थे तो ही आस्क मी के आपको स्पाइसी चाहिए या आपको नॉर्मल चाहिए। सो पहले तो मैंने कहा नॉर्मल, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि नॉर्मल वाला अच्छा नहीं है, यू हैव टू गो विद स्पाइसी अगर तुम्हें पाकिस्तानी वाला KFC खाना है, क्योंकि उनको पहले से ये बात पता थी। सो खैर उसके बाद हमने अपना लंच वगैरह किया। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हमने क्योंकि अपने पाकिस्तानी रुपीस को कतरी रियाल में कन्वर्ट करवाया था, तो हमें तो बहुत एक्सपेंसिव लगा। लाइक एक जो हमारी चिकन वाली डील आई थी दो लोगों की, वो शायद पाकिस्तान में 1200-1300 रुपए की है पाकिस्तानी, लेकिन कतर में हमें 7-8 हज़ार रुपये की पड़ी थी, क्योंकि हमने PKR को कतरी रियाल में कन्वर्ट करवाया था इसलिए। सो खैर अपना लंच करने के बाद हमने एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा में, कि जिसने शॉपिंग करनी है ना उसके लिए हेवन है। एक से एक लग्जरी ब्रांड का आउटलेट आपको इस एयरपोर्ट पे मिलेगा। आई थिंक जिस जगह भी आप जाएंगे ना, आपको कोई ना कोई ब्रांड, लग्जरी ब्रांड, नॉर्मल ब्रांड भी नहीं, लग्जरी ब्रांड का आउटलेट नज़र आ जाएगा। सो प्राम का सीन भी साथ ही आपको बता देती हूँ। मैं ना मिनहल का प्राम पाकिस्तान से साथ लेके आई थी, जो कि मैंने लगेज में दे दिया था एयरपोर्ट पे। सो उन लोगों ने मुझे यहाँ दोहा में वो रिटर्न नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लगेज में चला गया था। तो यहाँ पर ना मुझे ये प्राम मिला था कतर एयरवेज़ की तरफ से बेबी के लिए, और इट वाज सो कंफर्टेबल। लाइक काम चल रहा था मिनहल का, ठीक ही था। सो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्राम साथ नहीं लाना चाह रहे या आप नहीं लाए, तो इट्स ओके, आपको बेबी के लिए ट्रैवल करते हुए प्राम वगैरह मिल जाएगा, आपका बेबी कंफर्टेबल रहेगा। सो हमारा लेओवर जो था ना वो था तो 7 आवर्स का, लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट था, एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ था, हमारा टाइम कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये एक बहुत ही फेमस लाउंज है यहाँ का, इस टेडी वाले, इसकी वजह से ये एक टेडी बना हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने खुद इसको वीडियोस में देखा था, और जितना ये भी आपको इस वीडियो में अच्छा लग रहा है ना, ये लाउंज रियलिटी में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त था। सो मैं रिग्रेट करी थी कि मैं क्यों रेडी होके नहीं आई, क्यों पाकिस्तान में, इतना सैड थी, रोना धोना था, दुखी थी मैं, जिसकी वजह से मैं ऑब्वियसली रेडी होके नहीं आ सकी। सो मेरी पिक्चर्स वगैरह नहीं बनी, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना टाइम पास किया, अपनी कुछ लाइक पिक्चर्स वगैरह मिनहल की बनाई, हस्बैंड की बनाई, और इसके बाद जो है हम लोग मज़ीद चले गए गोल्ड वाली जो मार्केट थी ना उसकी तरफ। मार्केट मतलब जो जहाँ पर गोल्ड की काफ़ी सारी शॉप्स थी। अब ये बात ना मैंने सुनी हुई थी अपने डिफरेंट रिलेटिव से कि अगर आपने गोल्ड लेना है ना तो आपने गल्फ़ कंट्रीज़ से लो, सऊदीया से, कतर से, दुबई से, और ये बात सच है यार। मतलब इतना प्यारा गोल्ड था, मुझे ना थोड़ा येलो कलर में गोल्ड अच्छा लगता है, तो यहाँ पर जितना भी गोल्ड था उसका इतना खूबसूरत पेल येलो कलर था, और डिज़ाइंस की तो कोई इंतहा नहीं थी, डिज़ाइंस एक से एक थे, इतने इस तरह के, अच्छा इस तरह के डिज़ाइंस ना मैंने अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखे। तो ये सारा सीन था यहाँ पे गोल्ड का। लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको पता है हर चीज़ ही महंगी होती है, तो ये मुझे काफ़ी महंगे लग रहे थे। लेकिन अगर आप बाहर से लेंगे, एयरपोर्ट के बाहर से, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रेट्स में पड़ेंगे, और मे बी ऑप्शंस भी ज़्यादा मिल जाएं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस आपको कहीं मिल सकते हैं। खैर अब हमारे फ़्लाइट को बोर्ड होने में तकरीबन 1-1.5 घंटा ही रहता था, तो हम अपने लाउंज में जाके बैठ गए थे, बिकॉज़ बहुत थकावट हो गई थी चल चल के चीज़ें देख देख के, हम थक
चुके थे, हम अपने लाउंज में चले गए, इब्तिहाज मिनल को लेके बैठ गए थे वहाँ पे, और मैं आई थी KFC दोबारा से क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो अपने लिए मैंने कुछ लाइट सा खाना ले लिया था क्योंकि हम ये रात का हमारी फ़्लाइट थी रात की, तो ऑब्वियसली हमें सुबह ब्रेकफास्ट ही मिलना था फ़्लाइट में, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। सो अपनी ड्रिंक वगैरह ले ली थी मैंने, और इसके बाद अब हम लोग अपनी जो बोर्डिंग है उसकी लाइन में खड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर ना, अच्छा यहाँ पे हमसे जो इमिग्रेशन वगैरह हुई थी ना, वो हमारी हुई थी एक तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो खैर आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वहाँ पे बिल्कुल भी टफ़ नहीं था, लेकिन जो ज़्यादा टफ़ इमिग्रेशन थी ना वो थी हीथरो पे, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा रहा, कैसे आपने टैकल करना है, क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्टेड हैं, क्या क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। और यहाँ पे ना मैंने मिनहल को थोड़े से आपने देख रहे होंगे कि थोड़े गर्म कपड़े पहना दिए थे क्योंकि कतर एयरपोर्ट पे बहुत सर्दी थी, इन्होंने वो सेंट्रल एयर कंडीशनर्स थे तो बहुत सर्दी हो गई थी। सो खैर सामने हमारा प्लेन भी खड़ा मुझे नज़र आ रहा था, और अब हम लोग अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। कुछ मिस्टेक्स हमने किए हैं वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी, ये तो खैर अभी ट्रैवलिंग व्लॉग है ना, इसमें जो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो हम नेक्स्ट बात करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। सो हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो अब आप देख लें कि ये रात का टाइम है, कुछ स्नैकिंग वगैरह मिली थी, एप्पल जूस लिया था मैंने साथ, सैंडविच लिया था, चिकन सैंडविच था, और इब्तिहाज जो है वो मूवी देख रहे थे, और मुझे तो लिटरली मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई, मे बी इतना अंधेरा सा एकदम हो गया था इस वजह से, लेकिन हमें ना इतनी सीट्स कंफर्टेबल नहीं मिली थी मुझे स्पेशली। सो बस यही सीन था सारा, और फिर मैं सो गई थी, और जब मैं उठी तो फिर ये सीन्स थे जी, हम लोग जो है वो हीथरो लैंड करने वाले थे, एंड यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि यार मैं सच में लंदन पहुँच गई हूँ। ये जो मोमेंट था ना मेरा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था, और मैं बहुत खुश भी थी बिकॉज़ ऑब्वियसली अब एक अपनी कंट्री से मैं माइग्रेट करके एक न्यू कंट्री में जा रही हूँ, और ये पहला कदम होगा मेरा उस नई ज़मीन पे, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करी थी कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हम जिस मकसद के लिए आए हैं हमें उसमें कामयाब करे। और बस अभी जो है ये चीज़ें वीज़ें जो बैग वगैरह था मैंने अपना रेडी कर लिया था क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है वो लैंड करना था। सो ये यहाँ पर मैं साथ साथ लाइव देख भी नहीं हूँ। जो एयरपोर्ट टर्मिनल 4, और बस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपना लगेज कलेक्ट किया, और मेरे साथ ना लगेज में भी एक बड़ा सीन हो गया, हमारा एक जो हैंड कैरी था ना हम लोग भूल गए थे, लगेज बेल्ट पे ही भूल गए थे, हम एक्साइटमेंट में उठाना है उसको भूल गए, तो खैर वो मैं बाद में आई थी लेने, वो आपसे बाद में चल के सारी बातें करूँगी मैं। और खैर खैरियत से हम घर पहुँच गए हैं, मुझे मेरे चाचू ने जो कि ऑलरेडी होते हैं लंदन में, उन्होंने मुझे पिक किया था और उन्होंने हमें हमारी मंजिल पर ड्रॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम पहुँच गए थे। और ये था जी आज का व्लॉग, आगे चल के मज़ीद और व्लॉग्स में आपसे बात करूँगी, टेक केयर।